सकती है। और बैठक के बाद कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल का बयान आया, उन्होंने कहा कि एआईसीसी की तरफ से वरिष्ठ पर्यवेक्षक जो भेजे गए थे लगाए गए थे कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष को लेकर फैसला लेगा, हमने पर्यवेक्षकों को अपना मत बताया है, अपनी राय बताई। गीता भुक्कल हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। विधायक दल की बैठक से बाहर आई है मैम, किस तरीके से आज बैठक रही, तीनों ऑब्जर्वर्स यहाँ पहुंचे थे, सबसे पहले क्या सभी से मुलाकात की गई और अलग से भी कोई मुलाकात? ऑलरेडी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने आपको वाइट दे दी है, वो आए, उन्होंने सभी को जो जीत कर आए हैं उनको बधाई देने का काम किया है। कांग्रेस ने अच्छे से चुनाव लड़ा और कहीं ना कहीं तंत्र का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आज जो सीएलपी लीडर का था उसके लिए आपको ऑलरेडी बता दिया, सभी से भेंट हुई है और कांग्रेस आला कमान को ऑथराइज किया गया। अब तक मैम ये फैसला सामने, देखिए मेरे को कोई जुडिक्शन नहीं है इस बात की कहने की, हमें तो इतना मालूम है एक विधायक होने के नाते हम इस मीटिंग में आए थे यहाँ पर। लेकिन मैम कहा जा रहा है कि भाजपा में जब विधायक दल का नेता चुनना था तो बहुत कम समय के अंदर जो है चुनाव हो गया था, कांग्रेस में आखिर क्या वजह है कि इस तरीके का डिले देखने के लिए मिलता है? कांग्रेस की एक परिपाटी रही है, एक सिस्टम रहा है, उसी के तहत ऑब्जर्वर्स लगाए गए, भेंट हुई और आलाकमान इसमें डिसीजन लेगा। तो गीता भुक्कल जी हमारे साथ थी, सीधे तौर पर जो अंतिम फैसला है वो अब कांग्रेस आलाकमान को करना है, कब तक ये फैसला होगा ये भी अभी तय नहीं है, लेकिन विधायकों ने 1-to-1 अपनी राय ऑब्जर्वर्स के सामने रख दी है, जिसका मसौदा केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया जाएगा और वहीं से ये तय किया जाएगा कि कांग्रेस विधायक दल का नेता हरियाणा के अंदर कौन होगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन सुनील के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।